हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक में हम कैसे ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कराएं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है और वहां पर टाइप करना है कोटक बैंक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जो फर्स्ट पे ऑप्शन है आपको उसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। आपको राइट साइड पे ओपन नाउ ऑप्शन लिखा हुआ नजर आ रहा है। वहाँ पर तीन चीज आपको फिल करनी है। सबसे पहले अपना नेम टाइप करना है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, उसके बाद अपनी ईमेल आईडी टाइप करनी है और उसके नीचे दो ऑप्शन है उन दोनों पर क्लिक कर ओपन नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ ऐसा ऑप्शन खुलेगा। जो नंबर आपने वहाँ पर ऐड किया है उस पर एक ओटीपी आएगा। आपको वो वाला ओटीपी यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद नेक्स्ट करना है। उसके बाद कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा जहाँ पर लिखा होगा, क्या आप एक खाता खोलने के लिए अपने आधार कार्ड का विवरण का उपयोग करने के लिए सहमत हैं? आपको यस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद ये पेज ओपन होगा और वहाँ पर लिखा होगा एंटर योर पैन कार्ड नंबर। आपको फिर अपना पैन कार्ड नंबर टाइप करना है और उसके नीचे अपना आधार नंबर टाइप करना है। दोनों चीज टाइप करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन का पेज ओपन होगा और आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना। उसके बाद ये ऑप्शन आएगा, इस पर भी आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद ये ऑप्शन आएगा और आपको गेट 811 लाइट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये ऑप्शन आएगा जहाँ लिखा होगा वेयर कैन वी रीच यू। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है। सबसे पहले आपको हाउस नंबर डालना है, उसके बाद आपको स्ट्रीट नंबर डालना है, फिर एरिया डालना है, फिर पिन कोड डालना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा जहाँ पर लिखा होगा टेल अस लिटिल बिट अबाउट योर। यहाँ पर आपको अपने बारे में फिल करना है। सबसे पहले आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर ऑक्यूपेशन भरना है, उसके बाद अपना फादर नेम फिल करना है, उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, फिर आप एनुअल इनकम कितनी है वो फिल करना है, उसके बाद आपको अपना मदर नेम फिल करना है, मैरिड स्टेटस फिल करना है, आप सिंगल हो या मैरिड हो, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद ये ऑप्शन खुलेगा जहाँ आपसे पूछा जाएगा, क्या आप अपने नॉमिनी को अकाउंट में ऐड करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो यस पर क्लिक कीजिए, नहीं तो डू इट लेटर पे क्लिक कर। अगर आप डू इट लेटर पे क्लिक करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आएगा, आपको उस पर भी क्लिक करना। पर मैं अपने अकाउंट में अपने नॉमिनी को ऐड करना चाहता हूं, इसलिए मैं यस पर क्लिक करूं। उसके बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा जहां पर आपको नॉमिनी का नाम भरना होगा, वो फिल करना होगा और नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको नॉमिनी का एड्रेस फिल करना होगा। सब कुछ फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना। उसके बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होगा जहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि आपने क्या क्या फिल करा है। अगर वहां पर आपको कुछ दिक्कत लगती है तो आप एडिट पर जाकर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप कंटिन्यू पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा जहां पर डिक्लेरेशन लिखी होगी। आपको चारों पर राइट का निशान लगाना है और उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपके सामने एक दोबारा से ऑप्शन आएगा वी कैन मीट, तो आपके सामने दो ऑप्शन होंगे कि आप बैंक में आके सी के वाई सी कराना चाहते हैं या हम आपके घर पर आकर आपकी सी के वाई सी करें। आप दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। चूज होने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करिए। उसके बाद कुछ ऐसा ऑप्शन खुलेगा जहां आपसे कहा जा रहा है कि अपना पिन नंबर से आपको दोनों जगह एक ही पिन नंबर सेट करना है। पिन नंबर डालने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर। यहाँ पर ये बता रहा है कम से कम 6 नंबर होने चाहिए और नंबर रिपीटेड नहीं होने चाहिए और ना ही नंबर 1 2 3 4 5 6 की तरह होने चाहिए। आप उसके अलावा कोई भी नंबर डाल सकते हैं। नंबर डालने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। आपके सामने आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड शो होने लगेगा। आपको CRN नंबर मिल जाएगा, आपका बैंक FIC कोड मिल जाएगा और आपको अपना अकाउंट नंबर मिल जाएगा। आप CRN नंबर लेके बैंक में विजिट कर सकते हैं और अपनी CKYC करा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। धन्यवाद फ्रेंड्स।